अस्सलाम वालेकुम यूनिक मामा, आपके साथ हमने आपको बताए फ्रेंच फ्राइज, केले के चिप्स, आलू के चिप्स, केले के चिप्स। आज हम बताएंगे आपको मैंगो के चिप्स, मैंगो चिप्स, यूनिक मामा यूनिक रेसिपी। तो ये हमने काफ़ी 2-3 दिन से फ्रिज में रखा हुआ था, हम इसकी बेचारे ठंड लग लग के इसकी ये शक्ल हो गई है। कोई बात नहीं, हमने भी तो चिप्स ही बनाने, हमने कौन सा इसको सजा के रखना है। तो जनाब इसको हमने अच्छी तरह धोया, वॉश किया, इसको नहलाया धुलाया, इसको गुसल कराया, इसके सारे जम्स मारे, तो वो ठंडा है। इस मैंगो का हमने करना क्या है जनाब, इसका कुछ भी नहीं करना, मौज करेंगे, खा लेंगे इसको, या तो खा लेंगे या मिल्क शेक बना लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ सजा लें। अब ये है असल काम की चीज़, ये है, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे करके रखें, ऐसे ही इनको हम कूड़े में फेंक देते हैं। तो जनाब इनको ऐसे करके रखें, सारा दिन इसको पंखे के नीचे रखें या धूप में रखें, तो और शाम को इसको माइक्रोवेव में 2 मिनट में इसको गर्म कर लें, तो इनका बुरा हाल कर दें। जितना गर्मी ने आपका बुरा हाल किया, इसी तरह इनका मैंगोस का भी आप बुरा हाल कर दें। तो जनाब हमने किया इनका ये हाल, इधर हो रहा है हमारा ऑयल गर्म, तो हमने जनाब इनका ये हाल कर दिया है, ठीक है। अब इनका ये हाल कर दिया है और अभी हमारा ऑयल गर्म नहीं हुआ, ये मैंगो रखा है। इसका चाहे आप मिल्क शेक बनाएं या इसके क्यूब्स बनाएं, इसे और ठंडे करें और इंजॉय करें। अभी हमारा ऑयल गर्म होता है, इतनी देर में हम हाथ मुंह साफ कर, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और हमने अभी इसको स्लो कर दिया है। एक डाल के देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारी डाल दें, क्या नखरे करने और गर्मी में परेशान होना। थोड़ा वेट करें क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन बरसात है, इसलिए अभी ये इसमें पानी है, तो थोड़ा वेट करें इसको क्रिस्पी होने का। ट्राई ज़रूर करें मीठा मीठा और नमकीन नमकीन, जिन्हें मीठा और नमकीन सा सब खाने का शौक़ है ना, वो लोग तो ज़रूर ट्राई करें, फ्लेम थोड़ा हाई कर लें ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। तो जनाब रोमा बहुत अच्छा रहा है इसका, चाट मसाला तैयार कर लें। इनको डालते ना तेल ठंडा हो गया है, गुड़ की खुशबू आ रही है इसमें से, जैसे गुड़ से बनाई हमने। जल्दी जल्दी निकालें, ये जल ना जाए। बहुत गर्म है, एक डिफरेंट टेस्ट है, हमने देखा था तो हमने कहा आपके साथ जरूर शेयर करें। तो एक डिफरेंट टेस्ट है, जो यूनिक टेस्ट ट्राई करना चाहते हैं वो ज़रूर ट्राई करें।
और एक अच्छा टेस्ट है। और जरा जो धूप में जरा ड्राई हो ना, वो तो फिर कमाल होगा, क्योंकि अभी तो रोजाना इतनी ज्यादा बरसात है, इतनी ज्यादा बारिश है, और हमारे इलाके में ना बहुत ज्यादा बारिश है। और ऐसे हमारा इलाका नहरी है, और बहुत ज्यादा ना यहाँ पे ना पेड़ बहुत ज्यादा है। तो कहते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हो और नहरी निजाम यहाँ का बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। रात भी बहुत ज्यादा बारिश थी, हमने बाकी जगह फोन किया, तूफानी बारिश थी, कहीं नहीं थी, सिर्फ हमारी एरिया में थी। तो ये तो हमने माइक्रोवेव में इनको ट्राई किया, तो इंशाल्लाह ताला किसी दिन हम धूप में भी इनको ट्राई करके तो फिर हम दोबारा बनाएंगे। तो आप जरूर इनको ट्राई करें, इंजॉय करें, कोई नया नया काम जरूर किया करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। हम ये इंजॉय करेंगे अभी, इस पे मसाला डालेंगे और खाएंगे। शुगर के मरीजों के लिए ये जरूरी है कि आम खाना है तो जरूर खाएं, लेकिन इस पे थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के जरूर इसे इंजॉय करें। शुगर के मरीजों को कुछ नहीं कहता अगर इस पे काली मिर्च और नमक डाल के आप खाएं, तो इतना खा सकते हैं आराम से रोजाना।